आदरणीय शरद पवार जी, और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है, और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं, ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया, और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया, ये ठीक है, फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी, ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी, रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी, और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहां मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे, देर आर अदर रिजिडिटीज बिकॉज ऑफ द होल मार्केटिंग रिजिम सेटअप इन द 1930s विच प्रिवेंट अवर फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस वेर दे गेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इट इज अवर इंटेंशन टू रिमूव ऑल दोज हैंडीकैप्स विच कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स वास्ट पोटेंशियल एज वन लार्ज कॉमन मार्केट। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है, हर किसी ने, यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है, और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है, शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है, वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दें, अब देखिए दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ, लेकिन मजा देखिए
दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले, सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी, पशुपालों की किसान, क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है उनका, पशुपालन पर, पशु पर कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है, यानी इतना बड़ा, हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है, हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलने चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है, जैसा हम लोगों की स्वभाव रहा है, घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव जरूर, चेयर यहां क्यों रखी, टेबल यहां क्यों रखा, घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बड़े हैं तो ये मैं स्वाभाविक मानता हूं, जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही हमारे यहां, क्योंकि असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी, हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की, योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था, मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था, वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे, वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है, सारे चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहां बैंक में अकाउंट में था, सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को, ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था, देश भर में हजारों